Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video. नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम संजीत चक्रवर्ती है। बाय प्रोफेशन मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डिजिटल एक्सप्रेस। इस वीडियो के इस सीरीज में मैं आपके लिए लाने वाला हूँ एक्सेल का पूरा ट्यूटोरियल, जो एक्सेल सीखना चाहते हैं, जो एक्सेल का बिगिनर है और जो एक्सेल में काम करते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो अब बात ये आता है कि एक्सेल ही क्यों। तो दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आज की डेट में जो हम ऑफिस में काम करते हैं उस काम का 90% वर्क जो है हम एक्सेल में करते हैं। और मैं दुनिया की बात करूं, दुनिया में 50 करोड़ लोग मींस हाफ बिलियन लोग जो है एक्सेल में काम करते हैं। एक्सेल का फायदा यह है कि एक्सेल में काम करना बहुत ही इजी है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। हम बहुत ही जल्दी से एक्सेल में कोई भी काम को बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। हम इसके अंदर डाटा एंट्री भी कर सकते हैं, इसके अंदर फॉर्मूला भी कर सकते हैं और इसके अंदर बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर में हम नहीं कर सकते हैं। तीसरा, इस सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए आपको ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा मेहनत करो और एक्सेल का एक्सपर्ट बन जाओ। चौथा, इसके अंदर हम डाटा एनालाइज भी कर सकते हैं, डाटा को वैलिडेशन भी कर सकते हैं। एमएस एक्सेल जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजाइन किया गया है, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है और जिसको हम एक्सेल के नाम से ज्यादा जानते हैं, बेसिकली ये एक स्प्रेड प्रोग्राम है जिसके अंदर हम आंकड़ों को टेबल और फॉर्मेट में क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, इसके वैलिडेशन कर सकते हैं और इसको मेल के द्वारा शेयर भी कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जो ये ट्यूटोरियल होगा ये इतना लंबा नहीं होगा, इतना बड़ा नहीं होगा। मैं मॉड्यूल वाइज आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा, लेकिन सारे मॉड्यूल को आपको देखना पड़ेगा तभी आप एक्सेल में एक्सपर्ट बन पाएंगे। उस मॉड्यूल को देखने के लिए आप लोगों को मेरा चैनल डिजिटल एक्सप्रेस है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के माध्यम से जितने भी नया मॉड्यूल, जितना भी नया वीडियो मेरे इस चैनल में आएगा वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक्सेल का पूरा ट्यूटोरियल। मॉड्यूल 1 में हम बात करेंगे एक्सेल का जो इंटरफेस होता है या जिसको हम एक्सेल का लेआउट और डैशबोर्ड भी कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। जब भी हम कोई नया एक्सेल फाइल ओपन करते हैं उस फाइल में सबसे पहले हमारे सामने एक्सेल का वर्कबुक खोलता है जिसको हम एक्सेल का इंटरफेस बोलते हैं। ये है एक्सेल का वर्कबुक। इस वर्कबुक के अंदर बहुत सारे वर्कशीट होते हैं। उस वर्कशीट जो है वो हमारा मेन वर्किंग एरिया है जिसके अंदर हम कोई भी एक्सेल का काम करते हैं या कर सकते हैं। वर्कशीट को बहुत सारे सेल के कॉम्बिनेशन में डिजाइन किया गया है जिसको हम ग्रिड लाइन पे या स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और वो रोज और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। अगर हम इस वर्कशीट में जो हम काम करते उस एरिया को हम ऊपर नीचे मूव करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड में दिया गया स्क्रॉल बार को हम यूज कर सकते हैं, तो हमारा वर्कशीट जो है ऊपर नीचे मूव हो जाएगा। अगर हमें लेफ्ट राइट में मूव करना है तो बॉटम में दिए गए इस स्क्रॉल बार को हम यूज कर सकते हैं। रोज को हम नंबर में इंडिकेट करते हैं जैसे कि 1, 2, 3, और जो कॉलम होता है वर्टिकल स्टैक होता है उसको हम अल्फाबेट में इंडिकेट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइल बटन। फाइल बटन में बहुत सारे ऑप्शन हमें मिल जाते हैं जैसे कि इन्फो, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट एंड
क्लोज ऑप्शन। इस ऑप्शन के अलावा दो और ऐसे ऑप्शन हैं जो हमें एक्सेल में मिलता है, जैसे कि अकाउंट एंड एक्सेल ऑप्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फो। इन्फो के अंदर हमें वो इन्फॉर्मेशन मिल जाता है जो करंट एक्सेल में जो हम काम कर रहे हैं या जो आपने ऑलरेडी एक्सेल में काम कर चुके हैं, उस एक्सेल फाइल का क्या साइज है, इसका नाम क्या है, वो हमने कब क्रिएट किया था, लास्ट मॉडिफाइड उस एक्सेल फाइल में हमने कब किया था, उसका ऑथर का नाम क्या है, प्रिंट डेट, प्रॉपर्टीज, वर्शन एक्सेट्रा, इसके बारे में हमें सारे जानकारी इस इन्फो में अंदर मिल जाता है। इसके बाद न्यू। अगर हमें कोई न्यू एक्सेल फाइल क्रिएट करना है, वर्कबुक क्रिएट करना है, तो हमें फाइल में जाके न्यू बटन क्लिक करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसका शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस एन है। शॉर्टकट की के बारे में मेरे चैनल में बहुत सारे सीरीज बना हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी इसका लिंक दे के रखा हुआ है, आप जाके वहाँ पे शॉर्टकट की का सीरीज आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं ओपन में। ओपन में अगर कोई ऑलरेडी सेव किया हुआ फाइल को हमें ओपन करना है, तो हम फाइल बटन में ओपन ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस ओ है। इसके बाद बात करते हैं सेव। सेव में जो करंट एक्सेल फाइल में हम काम कर रहे हैं, उस फाइल को अगर सेव करना है तो हम इस सेव ऑप्शन का यूज करते हैं। सेव एज। सेव एज ऑप्शन को यूज करके हम कोई भी पुराने फाइल हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है या करंट फाइल में काम कर रहे हैं, उस फाइल को अगर दूसरे किसी नाम से दूसरे ड्राइव में कॉपी करना है, दूसरा कॉपी बनाना है, तब हम सेव एज ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। प्रिंट। प्रिंट बटन का यूज करके हम एक्सेल का कोई भी पार्ट का प्रिंट दे सकते हैं। इसका शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस पी है। शेयर। शेयर ऑप्शन को यूज करके हम एक्सेल की फाइल को मल्टीपल यूजर के साथ शेयर कर सकते हैं और उसको मेल भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट टैब का यूज करके हम एक्सेल का फाइल को पीडीएफ और एक्सपेस डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको मेल पे शेयर भी कर सकते हैं। क्लोज। क्लोज बटन को यूज करके हम एक्सेल की वर्कबुक को क्लोज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की जो है कंट्रोल प्लस डब्ल्यू है। अकाउंट। अगर आपका ऑफिस में अकाउंट है तो आप उस अकाउंट में लॉग इन करके आप ऑफिस का जो थीम है वो चेंज कर सकते हैं। उस अकाउंट में आप एक्सेल के फाइल या कोई ऑफिस का रिलेटेड फाइल आप वहां पे सेव कर सकते हैं और कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑप्शन। ऑप्शन बटन का यूज करके हम एक्सेल का जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है, जो वर्कबुक हमारे सामने दिखाई देता है, उसका जो डिफॉल्ट सेटिंग है, उस डिफॉल्ट सेटिंग को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वर्क टैब में एक लास्ट में हम यहाँ पे देख पा रहे डेवलपर टैब है, जो एक्चुअली डिफॉल्ट में नहीं आता, मैंने इसको कस्टमाइज करके यहाँ पे लेके आया है। ऐसे ही पावर पिवट एंड मेनी अदर ऑप्शन हैं जो हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं क्विक एक्सेस टूलबार के बारे में। क्विक एक्सेस टूलबार एक्सेल विंडो के सबसे ऊपर लेफ्ट साइड में होता है। हम चाहे तो इसका पोजीशन रिबन एरिया के नीचे यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी शॉर्टकट याद नहीं है तो हम इस टूलबार का यूज करके जल्दी से काम कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट बात करें तो इस क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर हमें सेव, अंडू, रीडू का ऑप्शन मिल जाता है। राइट साइड में दिए गए ये डाउन एरो बटन को क्लिक करके हम कोई भी बटन को या ऑप्शन को ऐड या डिलीट यहां से कर सकते हैं। अगर हम डाउन बटन को क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये विंडो खुल के आ जाएगा। हम कोई भी ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक करके क्विक एक्सेस टूलबार में लेके आ सकते हैं। अगर अनक्लिक कर देंगे तो वो ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा।
इसके बाद हम बात करते हैं टाइटल बार के बारे में। टाइटल बार का पोजीशन एक्सेल विंडो के सबसे ऊपर सेंटर में होता है। बाय डिफॉल्ट वर्कबुक का नाम बुक वन होता है। एक्सेल फाइल को जब हम सेव करेंगे तब हम बुक वन का नाम को चेंज करके कोई भी नाम रख सकते हैं। अगर हम नाम चेंज करने से पहले कोई दूसरा वर्क बुक में काम करना चाहते हैं तो उस वर्क बुक का नाम जो है बुक टू या बुक थ्री होगा। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेल विंडो के टॉप राइट कॉर्नर में दिए गए ऑप्शन के बारे में। यहाँ पे हमें 5 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्प आइकन। हेल्प आइकन को यूज करके हम एक्सेल के अंदर एक्सेल के रिलेटेड कोई भी हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। रिबन डिस्प्ले ऑप्शन बटन को यूज करके हम इस रिबन एरिया को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। इसके अंदर टैग या कमेंट्स का ऑप्शन भी है जो हम हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। मिनिमाइज आइकन। मिनिमाइज आइकन को यूज करके हम एक्सेल की वर्कबुक को मिनिमाइज करके रख सकते हैं। इसके बाद आते हैं मैक्सिमम एंड रिस्टोर। मैक्सिमम एंड रिस्टोर आइकन को क्लिक करके हम वर्कबुक का जो साइज है, जो विड्थ या हाइट है, उसको हम छोटा कर सकते हैं। ये दोबारा इसको क्लिक करके मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्लोज आइकन। क्लोज आइकन को क्लिक करके हम वर्कबुक को बंद कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक्सेल के रिबन एरिया के बारे में। रिबन एरिया एक्चुअली बेसिकली मैं इसको एक्सेल का हार्ट कहता हूँ, ऐसे इसका नाम सुपर टूल बार है। इसका काम एक्सेल के अंदर जितने भी यूज करने वाला कमांड है वो सारे यहाँ पे हमें मिल जाता है। रिबन के अंदर बेसिकली कुछ टैब होता है, उस टैब को नंबर ऑफ ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उस ग्रुप के अंदर रिलेटेड बहुत सारे कमांड हमें देखने को मिल जाता है। अगर हम टैब के बारे में बात करें तो कुछ टैब है जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू एंड व्यू, जो डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर इतने सारे टैब हमें मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं डेवलपर का एक टैब हमें यहाँ देखने को मिल रहा है जो मैंने कस्टमाइज करके यहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइल के बारे में। ऑलरेडी मैं फाइल के बारे में पहले स्लाइड में बात कर लिया था तो यहाँ पे बात नहीं करूँगा। हम आगे बढ़ते हैं होम टैब के बारे में। होम टैब के अंदर एक्सेल में दिए गए जितनी भी कमांड है सारे कमांड हमें होम टैब के अंदर मोटा मोटा मिल जाता है। जैसे कि कॉपी, पेस्ट, फॉन्ट, फॉर्मेटिंग, ये बहुत सारे ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। होम के अंदर हमें टोटल 7 ग्रुप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लिपबोर्ड है, क्लिपबोर्ड के बारे में। क्लिपबोर्ड एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर हम जब एक्सेल वर्कशीट में काम करते हैं, कोई डाटा को कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो जाके क्लिपबोर्ड में टेम्परली सेव हो जाता है। बाद में हम उस चीज को यूज क्लिपबोर्ड से यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम एक्सेल फाइल को बंद करेंगे तब वो जो हमने सेव किया हुआ है क्लिपबोर्ड में टेम्परली फाइल वहां से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है वो फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर हम फॉन्ट की स्टाइल, फॉन्ट की साइज, कलर को चेंज कर सकते हैं। अलाइनमेंट के अंदर हम हमारे टेक्स्ट या कंटेंट का जो अलाइनमेंट है उसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। नंबर के अंदर हमें सेल के अंदर नंबर हमें किस रूप में देखना है उसको हम इस ग्रुप में डिसाइड कर सकते हैं। स्टाइल, स्टाइल के अंदर हमें यहाँ पे 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, कंडीशनल फॉर्मेट, फॉर्मेटेड टेबल एंड सेल स्टाइल। नेक्स्ट ग्रुप है सेल ग्रुप। उस सेल ग्रुप के अंदर हमें इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट सेल का ऑप्शन मिल जाता है।
कोई भी कॉलम इंसर्ट करना हो, डिलीट करना हो, रो इंसर्ट डिलीट करना हो और फॉर्मेट करना हो, ये ऑप्शन हमें यहाँ से मिल जाता है। इसके बाद जो लास्ट ग्रुप है वो है एडिटिंग का। एडिटिंग ग्रुप के अंदर हमें ऑटो सम, फिल, क्लियर्स, शॉर्ट फिल्टर्स, फाइंड, रिप्लेस, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हमें एडिटिंग ग्रुप के अंदर मिल जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंसर्ट टैब के बारे में। इंसर्ट टैब को यूज करके हम ग्राफ्स, पिक्चर, टेबल्स, शेप्स, टैग बॉक्स, ये बहुत सारे ऑप्शन को हम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट टैब के अंदर हमें 9 ग्रुप देखने को मिलता है। सबसे पहले आता है टेबल। टेबल के अंदर हमें नॉर्मल टेबल, रिकमेंडेड पिवट टेबल एंड पिवट टेबल, ये तीन चीज हमें इंसर्ट करने को वर्कशीट में मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इलस्ट्रेशन ग्रुप के बारे में। इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर हमें कोई शेप, कोई ग्राफिक्स को इंसर्ट करना हो तो हम इलस्ट्रेशन जो ग्रुप है उसके अंदर जाके उसको इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो ऐप। ऐप के अंदर हम एक्सटर्नल कोई ऐप को यहाँ पे सेव कर सकते हैं और उसका यूज से हम एक्सेल में काम कर सकते हैं। इसके बाद चार्ट। चार्ट के अंदर हमें बहुत सारे चार्ट देखने को मिल रहा है। एक्सेल की वर्कशीट में जो भी डाटा, उस डाटा को अगर हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करना है तो हम चार्ट ग्रुप में जाके अलग अलग ग्राफ या चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट ग्रुप है वो स्पार्क लाइन्स है। स्पार्क लाइन एक पार्टिकुलर सेल के अंदर अगर आपको ग्राफ बनाना है तो हम स्पार्क लाइन कमांड का यूज करते हैं। इसके बाद फिल्टर्स ग्रुप के अंदर हमें 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, स्लाइसर एंड टाइमलाइन। इसके बारे में हम आगे एक्सेल में जब आगे काम करेंगे तब बात करेंगे। इसके बाद लिंक्स। लिंक्स के अंदर अगर हमें कोई एक्सटर्नल लिंक्स को वर्कशीट में इंसर्ट कराना है तब हम लिंक ग्रुप में जाके इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है टेक्स्ट का। टेक्स्ट ग्रुप के अंदर हम टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर सकते हैं, हेडर, फुटर, एक्सेल शीट के अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट ग्रुप है इंसर्ट टैब के अंदर वो है सिंबल। सिंबल ग्रुप के अंदर हम कोई भी इक्वेशन को या कोई भी सिंबल को एक्सेल वर्कशीट में इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पेज लेआउट। पेज लेआउट टैब के अंदर हमें थीम सेटिंग, पेज सेटिंग, स्केल सेटिंग, प्रिंट ऑप्शन मिल जाता है और ऑब्जेक्ट को अरेंज एंड अलाइन करने के लिए ऑप्शन भी हमें यहाँ पे मिल जाता है। इस पेज लेआउट में 5 ग्रुप होता है। सबसे पहले ग्रुप जो है थीम है। उस थीम ग्रुप में हमें एक्सेल के अंदर जो डिफॉल्ट थीम होता है उस थीम को हम चेंज करके हमारे हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। इसका फॉन्ट का स्टाइल, कलर और इफेक्ट भी हम इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है वो पेज सेटअप। एक्सेल का पेज सेट करने के लिए जब हम प्रिंट देते हैं बेसिकली तब हम इसका मार्जिन, पेज का ओरिएंटेशन जैसे कि पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, पेज का साइज, पेज ब्रेकअप, अगर बैकग्राउंड में आपको कोई इमेज सेट करना हो तो हम यहाँ से पेज सेटअप में आके कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है वो स्केल टू फिट। स्केल टू फिट में जब हम प्रिंट देते हैं उस शीट का, उस कंटेंट का हम शीट में कैसे सेट करेंगे, उसका विड्थ क्या होगा, हाइट क्या होगा, या स्केल सेट करके भी उस कंटेंट को प्रिंट पेज में सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है शीट ऑप्शन। शीट ऑप्शन के अंदर हमें ग्रिड लाइन, हेडलाइंस करके 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर उसको हम क्लिक करेंगे तो हम ग्रिड लाइन दिखाई देगा, अगर अनटिक करके देखेंगे तो ग्रिड लाइन नहीं दिखाई देगा। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है अरेंज। अरेंज ग्रुप के अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को उसके लेवल वाइज सेट कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट को हमें फ्रंट में रखना है तो फ्रंट में सेट कर सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट को इसके पीछे सेट करना है तो
बैक में भी इसका अरेंज करके सारे ऑब्जेक्ट को हम सेट कर सकते हैं, उसका अलाइन भी यहाँ के इस ऑप्शन के अंदर हमें मिल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्मूला टैब के बारे में। फॉर्मूला टैब के अंदर हमें टोटल 5 ग्रुप देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमें कोई फंक्शन को इंसर्ट करना हो, कोई सेल का नाम डिफाइन करना हो, फॉर्मूला को ट्रेस करना हो, ऑडिटिंग करना हो, एवोल्यूशन करना हो, हम यहाँ से कर सकते हैं। इस टैब के अंदर 5 ग्रुप होता है। इंसर्ट फंक्शन, इंसर्ट फंक्शन के अंदर हम कोई भी फॉर्मूला को बहुत ही इजी तरीके से एक्सेल वर्कशीट के अंदर यूज कर सकते हैं। फंक्शन लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शन का ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ऑटो सम, रिसेंटली यूज्ड फंक्शन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, टैक्स फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, ये बहुत सारे फंक्शन यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है डिफाइंड नेम, डिफाइंड नेम के अंदर हम कोई भी पार्टिकुलर सेल को अगर हमें नाम देना है तो हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं। उस नाम से इन फ्यूचर अगर हमें उस सेल में पहुंचना है तो हम डायरेक्टली उस सेल में पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है फॉर्मूला ऑडिटिंग, फॉर्मूला ऑडिटिंग के अंदर हम जिस सेल में कोई भी फॉर्मूला लगाया हुआ है उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डिपेंड कौन सी सेल से है वो हम यहाँ से ट्रेस कर सकते हैं। फॉर्मूला को अगर एवल्यूट करना है, चेक करना है कि आपका फॉर्मूला कहाँ पे गलत हो रहा है, अगर है तो हम यहाँ से ये चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक वॉच विंडो का भी ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। वॉच विंडो का काम ये है, अगर कोई भी पार्टिकुलर सेल को आप सिलेक्ट करके उसको सेव करेंगे तो हम सिर्फ उस पार्टिकुलर सेल का एक विंडो हमारे सामने खुल जाएगा और उसका डिटेल्स हम यह विंडो के माध्यम से यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के इस ग्रुप के अंदर हम फॉर्मूला को ऑटो कैलकुलेट करना चाहेंगे या मैनुअल, ये ऑप्शन हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टैब है वो है डाटा टैब। कोई एक्सटर्नल डाटा को हमें इंपोर्ट करना है तो डाटा टैब का यूज करते हैं। इसके अंदर डाटा सॉर्टिंग, डाटा फिल्टरिंग, डाटा मैनिपुलेटिंग एंड ग्रुपिंग का ऑप्शन भी हमें मिल जाता है। इस डाटा टैब के अंदर 5 ग्रुप होता है। गेट एक्सटर्नल डाटा, गेट एक्सटर्नल डाटा के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटा को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, वेब पेज भी डाटा इंपोर्ट कर सकते हैं, बहुत सारे अदर ऑप्शन अदर सोर्स भी डाटा को यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है कनेक्शन। कनेक्शन के अंदर एक्सेल वर्कशीट में कहाँ कहाँ पे कनेक्शन हमने दिया हुआ है फॉर्मूला का या कंटेंट का वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। रिफ्रेश बटन को भी यहाँ पे दिखाया गया है। जब हम पिवट टेबल में काम करते हैं या कोई डाटा को अपडेट करना चाहते हैं तो रिफ्रेश बटन को क्लिक करके डाटा को हम अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है शॉर्ट एंड फिल्टर। शॉर्ट एंड फिल्टर को ग्रुप में हम कोई भी डाटा को या कोई भी टेक्स्ट को स्मॉल टू बिग एंड बिग टू स्मॉल सेट कर सकते हैं, फिल्टर भी कर सकते हैं। इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट टूल्स है वो है डेटा टूल। डेटा टूल के अंदर एक्सेल का बहुत सारे मैजिक टूल्स होता है, जैसे कि फ्लैश फिल, टेक्स्ट टू कॉलम्स, रिमूव डुप्लीकेट, डाटा वैलिडेशन, कॉन्सिलिएशन, ये बहुत सारे ऑप्शन हमें डेटा टूल के अंदर मिल जाता है। लास्ट ग्रुप है वो है आउटलाइन। आउटलाइन ग्रुप के अंदर अगर हम कोई भी सेल को दो कोई भी नंबर ऑफ सेल को ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हैं या कोई भी कॉलम को नंबर ऑफ ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहां से कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आता है रिव्यू का टैब। रिव्यू टैब में हम डाटा को रिव्यू, ट्रैक, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमें कोई भी सेल में अगर कॉमन
इंसर्ट करना हो, हम कमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। इस रिव्यू के अंदर हमें चार ग्रुप देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्रूफिंग, प्रूफिंग के अंदर हमें कोई भी टेक्स्ट का स्पेलिंग चेक करना है तो हम यहाँ चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है लैंग्वेज ग्रुप के अंदर हम कोई भी टेक्स्ट का लैंग्वेज, अगर हमें दूसरे लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, तब हम यहाँ से कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ग्रुप है कमेंट्स, कमेंट्स के अंदर हम अगर कोई भी सेल में या नंबर ऑफ सेल में कमेंट को इंसर्ट करना है तो हम यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं, और कमेंट को अगर सर्च करना है तो हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। चेंज ग्रुप के अंदर हमें वर्कशीट को प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट, वर्कबुक को प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट और वर्कबुक को शेयर करने का ऑप्शन मिल जाता है। ट्रैकिंग का ऑप्शन भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जो हमारा नेक्स्ट टैब है वो है व्यू। व्यू टैब में हमें वर्कबुक का डिफॉल्ट व्यू को चेंज करने का ऑप्शन मिलते हैं। कुछ ऑप्शन को टर्न ऑफ और टर्न ऑन करने का ऑप्शन भी यहाँ पे हमें मिल जाता है। इसके अंदर हमें पांच ग्रुप देखने को मिलता है वर्कबुक व्यूज, जिसके अंदर हम डिफॉल्ट वर्कशीट का जो व्यू है उसको चेंज कर सकते हैं। शो के अंदर हम फॉर्मूला हेडिंग्स एंड ग्रिड लाइंस को अगर हाइड अनहाइड करना चाहे तो कर सकते हैं। जूम के अंदर अगर हम वर्कशीट को छोटा बड़ा करना चाहे तो कर सकते हैं। इसके बाद विंडो के अंदर हम अगर हम मल्टीपल विंडो में काम कर रहे हैं, मल्टीपल एक्सेल वर्कबुक में काम कर रहे हैं, तो हम उसको अरेंज कर सकते हैं। एक साथ अगर दो विंडो को देखना है तो हम वो भी कर सकते हैं, और कोई भी पार्टिकुलर सेल को फ्रीज भी हम यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो मैक्रो। मैक्रो का यूज एक्सेल के अंदर हम बहुत जगह पे कर सकते हैं। ये एक ऐसा ऑप्शन है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो मैक्रो को बटन यूज करके हम उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, और उस रिकॉर्डिंग को हम इन फ्यूचर यूज भी कर सकते हैं बिना कोई टाइम बर्बाद किए। इसके बाद जो डेवलपर का टैब है वो एक्चुअली डिफॉल्ट पे नहीं आता है। मैंने यहाँ पे डेवलपर का टैब को कस्टमाइज करके रखा हुआ है। इसके अंदर एडवांस एक्सेल का बहुत सारा ऑप्शन हमें देखने को मिल जाता है। इसके अंदर पांच ग्रुप होता है, जैसे कि कोड, एडिंस, कंट्रोल्स, एक्सएमएल एंड मॉडिफाई। इसके बारे में हम जब एडवांस एक्सेल में आगे पहुंचेंगे तब हम बात करेंगे। इसके बाद चलिए बात करते हैं जो एक्सेल का नेम बॉक्स या एड्रेस बॉक्स है। नेम बॉक्स एड्रेस बॉक्स वो होता है जिस सेल को हम क्लिक करते हैं वो करेंट सेल का जो एड्रेस है वो एड्रेस हमें नेम बॉक्स में देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डी कॉलम पे 6 रुपए क्लिक किया है, वो मेरा एक्टिव सेल है, तो एक्टिव सेल का जो एड्रेस है हमें नेम बॉक्स में देखने को मिल रहा है। फॉर्मूला बार, ये है हमारा फॉर्मूला बार। हम एक्सेल वर्कशीट में कोई भी सेल में जो करंट सेल में काम करते हैं उस करंट सेल का कंटेंट टेक्स्ट हमें फॉर्मूला बार में दिखाई देते हैं। हम वहां से भी टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं या फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कॉलम्स का। ये हमारा कॉलम्स है। एक्सेल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम होता है उसको हम अल्फाबेट में डिनोट करते हैं। एक्सेल के अंदर टोटल 16,384 कॉलम्स होता है, जो ए टू एक्स एफ डी तक है। और रोज के बारे में बात करें तो एक्सेल के अंदर जो रोज होता है इसको हम नंबर में डिनोट करते हैं। टोटल रोज की बात करें एक्सेल में 10,48,576 रोज होता है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्कशीट नेविगेशन। ये वर्कशीट नेविगेशन का एरो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी ये हाइड है, क्योंकि यहाँ पे डिफॉल्ट में हमारे पास एक ही
वर्कशीट है शीट वन, इसलिए हमें इसको अनहाइड दिखाई दे रहा है। जब हम बहुत सारे शीट हम यहाँ पे ओपन कर लेंगे तभी एक्टिव हो जाएगा, तो उस एरो को क्लिक करके हम वर्कशीट को लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। यह है वर्कशीट जो डिफॉल्ट में आपको एक ही वर्कशीट मिलेगा, हम प्लस बटन को क्लिक करके और भी वर्कशीट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, खुल सकते हैं। मैक्रो रेकॉर्डर्स के बारे में मैंने पिछले स्लाइड में बताया है, इसका जो शॉर्टकट की है हमें नीचे मिल जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे स्टेटस बार। स्टेटस बार एक्सेल विंडो के सबसे नीचे वाले ग्रीन एरिया को हम कहते हैं। इसके अंदर हमें सम, काउंट एंड एवरेज का ऑप्शन ऑटोमेटिक हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम कोई भी सेल में कोई डाटा को सिलेक्ट करते हैं तो उसका जो सम, काउंट और क्या एवरेज है उसको हमें ऑटोमेटिक इस स्टेटस बार में देखने को मिल जाता है। हम स्टेटस बार का सेटिंग भी कस्टमाइज करके चेंज कर सकते हैं। इस स्टेटस बार में हमें जूम स्लाइड बार भी मिल जाते हैं, प्लस और माइनस करके हम एक्सेल वर्कशीट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। परसेंटेज पे क्लिक करके भी हम उसको जूम आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। वर्टिकल स्क्रॉल बार एक्सेल विंडो के राइट साइड में होता है, जिसका यूज एक्सेल वर्कशीट को ऊपर नीचे करने के लिए यूज होता है। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का यूज लेफ्ट राइट को मूव करने के लिए यूज होता है, जो एक्सेल के नीचे होता है। चलिए दोस्तों, अब हम एक्चुअल वर्कशीट के अंदर कुछ कमांड के बारे में बात कर लेते हैं। जब भी हमें एक्सेल खोलना है, एक्सेल खोलने के लिए हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि मैं स्टार्ट बटन भी क्लिक किया और रन का जो बार है इसके अंदर मैं अगर एक्सेल टाइप करूंगा तो हमारे सामने एक्सेल का ऑप्शन जो आइकन है वो खुल जाएगा। मैं यहाँ पे एक्सेल 2013 यूज करता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके भी इसको खोल सकता हूँ। नहीं तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करके अगर आप रिसेंटली एक्सेल में काम किए हैं तो एक्सेल का आइकन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसको आप क्लिक कर सकते हैं। और नहीं तो आप ऑल प्रोग्राम में जाके जो ऑफिस का जो आइकन आपको दिखाई देगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, उसमें क्लिक करके आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सारे जो सॉफ्टवेयर है वो आपको मिल जाएगा। आप एक्सेल 2000 भी क्लिक करेंगे तो एक्सेल का ये विंडो आपके सामने खुल जाएगा। अगर आप नया शीट में काम करना चाहेंगे तो आपको ब्लैंक वर्कबुक में क्लिक करना है, तो आपके सामने ये वर्कबुक खुल जाएगा। हमने पहले बात कर चुके हैं कि ये हमारा वर्टिकल जो स्टैक है वो कॉलम होता है, ए बी सी डी, ये एक्सेल डी तक होता है। अगर हमें लास्ट कॉलम पे पहुंचना है तो हमें कंट्रोल राइट एरो प्रेस करना है, तो हम एक्सेल का जो लास्ट कॉलम एक्स एफ डी है वहां तक पहुंच जाएंगे। अगर हमें वापस पहले कॉलम ए पे पहुंचना है तो कंट्रोल लेफ्ट एरो क्लिक करेंगे तो हम पहले कॉलम में पहुंच जाएंगे। अगर हमें सबसे लास्ट रो में पहुंचना है तो कंट्रोल प्रेस करके बॉटम एरो प्रेस करेंगे तो लास्ट रो में हम पहुंच जाएंगे। अगर वापस पहले रो में पहुंचना है तो कंट्रोल प्रेस करके टॉप एरो क्रॉस करेंगे तो हम सबसे पहले रो में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एक बात आता है कि कितने सेल एक्सेल के अंदर है, अगर उसको काउंट करना है तो बहुत इजी ऑप्शन हमारे पास है। हम इस क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके अब देखिए यहाँ पे हमें 10,48,000 रोज और 16,000 समथिंग कॉलम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हमारा एड्रेस बार है, जो एक्टिव सेल मैंने यहाँ पे क्लिक किया B7, तो यहाँ पे B7 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये हमारा फॉर्मूला बार है और ये हमारा रिबन एरिया है, इसके अंदर फाइल, होम, इंसर्ट, बहुत सारे टैब हमें देखने को मिलता है। हर टैब के अंदर बहुत सारे ग्रुप है, उस ग्रुप को हम लाइन पे डिवाइड करते हैं। ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, डाउन एरो को क्लिक करके हम इसके अंदर ओपन का जो ऑप्शन है उसको यहाँ पे लेके आ सकते हैं और इसको अनक्लिक करके उसको यहाँ से हटा सकते हैं। ये हमारा टाइटल बार है, जो डिफॉल्ट बुक वन का नाम हमें मिलता है, हम इसको जब फाइल को सेव करेंगे तब हम उसका नाम चेंज कर सकते हैं। ये
ये वर्कशीट है, इस प्लस बटन क्लिक करके हम और भी वर्कशीट यहाँ पे खोल सकते हैं। ये एक्सेल का स्टेटस बार है, इसका अगर हमें कस्टमाइज करके चेंज करना है तो हमें राइट क्लिक करके इसमें जो भी ऑप्शन हमें चाहिए हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसका ऑप्शन यहाँ पे हमें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ये जूम का स्लाइड बार है तो हम जूम आउट जूम इन करके इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे एक्सेल का इंटरफेस का पूरा डिटेल्स। वीडियो आपको कैसा लगा या कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।